हेलो एवरीवन। एक आपको एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें जो है रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है, 18, 20, 23, 32 ऐसे दिया गया है। तो इसका क्या सही आंसर है देखिए, इसको यहाँ पे 18 है प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 19 आनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर है जो गलत है, सीरीज में फिट नहीं हो रहा। फिर अगर 19 होता, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर करते तो कितना होता, नेक्स्ट टर्म आ जाता, डेट इज 23। फिर यहाँ पे 23 रखिए और फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना आ जाता आपका, 23 और 9, 32 आ जाता। फिर यहाँ 32 प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना आ जाता, 48 आ जाता। ऐसे ये सीरीज चलती जाती। तो देखिए, 18 ठीक है, 23 ठीक है, 32 ठीक है, 48 ठीक है, गड़बड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे 19 होना चाहिए। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। ठीक है, हेडिंग है, बॉडी है, लेटर है, क्लोजिंग है। तो देखिए, ये हेडिंग, बॉडी और क्लोजिंग ये सब क्या है, लेटर के ही पार्ट हैं, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा लेटर, तो ऑप्शन सी जो है ना इसमें सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसमें दिया गया है कि विंसेंट, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, अगर 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आने हैं, 5 के आसपास डीआई होंगे, 25 में नियर अराउंड मिनिमम 7-8 क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट वाले होंगे। देखिए क्या दिया गया है इसमें कि विंसेंट है जो पेपर रूट, ईच मॉर्निंग ही डिलीवर 37 ईच पेपर टू द कस्टमर इन हिज नेबरहुड, इट टेक विंसेंट 50 मिनट टू डिलीवर ऑल द पेपर, इफ विंसेंट इज सिक और हैज सम अदर प्लान, हिज फ्रेंड थॉमस हु लिव ऑन द सेम स्ट्रीट विल सम टाइम डिलीवर द पेपर फॉर हिम। वो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला दिया गया स्टेटमेंट कि विंसेंट एंड थॉमस, ठीक है, लिव इन द सेम नेबरहुड। ठीक है, अब देखिए, ये जो थॉमस है, ठीक है, सेम स्ट्रीट में रह रहा है ना, तो सेम स्ट्रीट का मतलब क्या है कि सेम नेबरहुड है, तो गली सेम है तो मोहल्ला भी तो सेम होगा, तो पहला तो सही है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, इट टेक थॉमस मोर देन 50 मिनट, कोई मतलब नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसको 50 मिनट ज्यादा लगेगा। फिर क्या दिया है, इट इज डार्क आउटसाइड व्हेन विंसेंट बिगेन हिज डिलीवर, कोई मतलब नहीं, थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर रूट, वो अपने रास्ते जाएगा, कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं, जो चीजें एकदम 100% कंफर्म निकले उसको आप टिक करिए। ठीक है, वो किस रास्ते जाएगा नहीं जाएगा ये कहाँ से कहा जा सकता है, ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट में है नहीं, ये कंफर्मेशन है कि जो स्ट्रीट है वही नेबरहुड है, ऑप्शन ए भी। इसको देखिए, फिर ये स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है, क्या दिया गया कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विथ अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कन्फर्मेशन। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है और केवल 1 साल तक है आपकी जॉब, उसके बाद से रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा प्रमोशन होगा, और खराब रहेगा तो फिर आप हट भी जाएंगे। ठीक है, अभी आर्मी वाला एक था ना जिसमें 4 साल तक रहेगा, क्या नाम था उस स्कीम का, अग्निवीर वाला, ठीक है ना, तो क्या है, 4 साल तक पूरा रिव्यू किया जाएगा, उसमें कुछ परसेंट जो है क्या किया जाएगा, बाद में प्रमोट किया जाएगा, उसका क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो देखिए अब क्या दिया गया है, ये स्टेटमेंट है, एजम्पशन देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉन नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर, पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हमें परफॉर्मेंस पहले ही मालूम चल जाए तो हम क्या करें, हम तो केवल उन्हीं को रखें ना, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सपोज कीजिए कि आपको 1 साल तक रखा हमने, फिर उसके बाद से आपकी परफॉर्मेंस को हमने मेजर किया, ठीक है, आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, अब आपको हम हटाएंगे, तो इसमें कंपनी का ही नुकसान होना है, क्योंकि तो स्टार्टिंग में आपके ट्रेनिंग पे भी तो पैसा खर्च किया गया है। ठीक है, कंपनी हटाना थोड़ी चाहती है, वो चाहती बस ऐसा वैल्यूएबल पर्सन रहे। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में ही मालूम चल जाए कि किसकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जो नहीं कैपेबल है उनको तुरंत हटा ही दिया जाएगा, पहला बिल्कुल सही है, मालूम नहीं रहता। दूसरा, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राई टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड,
सिंपल, ये भी सही है। आपको अगर प्रमोशन चाहिए, बने रहना है, सिंपल सी बात है, सब लोग मेहनत करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। दोनों ही सही है, ऑप्शन ई, बोथ वन एंड टू इम्प्लिसिट। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया गया है कि इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और 100, ठीक है। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल, ठीक है। देखिए 5 एज तक जो है, या उसके बाद तक बच्चे को जो है स्कूल में एडमिशन कराया जा सकता है। एजम्पशन, इट दैट इज द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 में अगर एज 5 तक अगर एडमिशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अप्रोप्रिएट लेवल है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रेन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज, ये तो कहीं नहीं लिखा है, कहा गया है बस 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 तक डिजायरेबल है, यहाँ तक आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद 6 मिलीजिए, 7 मिलीजिए, 8 मिलीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अभी जो 50 साल का हो जा रहा है वो 12th का एग्जाम दे रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सही है। तो इसमें केवल क्या सही होगा, केवल पहला सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखिए जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे LIC है, ठीक है, फिर RBI है, ये सब जगह हो गया, SEBI हो गया। अब इसमें आप अगर किसी IAS और PCS अधिकारी को आकर देंगे, यही तो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ठीक है, तो फिर ये गया फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं तो आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फाइनेंस में आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी में आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेट को आप रख देंगे तो फिर वो बर्बाद होना ही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइनेंस जितने भी टॉप के रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसमें अगर आप डायरेक्टर जो है ब्यूरोक्रेट को रख देंगे, बर्बाद तो होगा ही होगा। कंक्लूजन देखिए इससे क्या निकलेगा, कि गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल सही। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आप उसी के एक्सपर्टीज को रखिए, ठीक है ना, सही है पहला। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टीज कमिश्रेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाई द इंस्टीट्यूट, सही है। जो भी डायरेक्टर है उसके पास क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज होना चाहिए, सही है, ठीक है ना। तो दोनों ही दो जो है इसमें सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए, दिया गया है कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस कपल विथ डेप्लेटिंग रिसोर्स, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप एक बार रिपीट लिख दीजिएगा, फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया है, कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस कपल विद द डिप्लेटिंग रिसोर्स इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्री इन डे टू कम, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्स कम हो रहा है, सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, रिसोर्स कम होगा। क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कि द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कॉन्टिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर, ये नहीं कह सकते आप, ठीक है, कि रिसोर्स अगर कॉन्टिन्यू कम हो रहा है तो इन फ्यूचर पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है रिसोर्स तो कम ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। तो ये आप नहीं कह सकते कि फ्यूचर में जो है पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइड इट्स पीपुल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये दूसरा वाला सही है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप ये जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है प्रोवाइड कर पाए, कैसे आप ये बताइए, पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्स कम होगा, जब रिसोर्स कम होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, सिंपल। तो केवल जो है ऑप्शन बी सही है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8th दिया गया है कि देखिए इसमें क्या दिया गया है, कि शुड इंडिया मेक अफर्ट टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट,
ठीक है ना। तो देखिए, क्या इंडिया को जो है सोलर एनर्जी में आना चाहिए, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है? यस, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज एट प्रेजेंट इज एग्जॉस्टेबल। सही बात है, ठीक है, ये क्या होने वाले, सब समाप्त होने वाले, तो सोलर एनर्जी पे जो है शिफ्ट होना चाहिए। सही है, ठीक है ना। दूसरा, नो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैकिंग। सही बात है, सोलर एनर्जी में जो है ना पैसे की ज़्यादा जरूरत होती है, कैपिटल की ज़्यादा जरूरत होती है, और उसमें जो है कहा जा रहा है कि इंडिया लैक कर रहा है, तो ये स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं, ठीक है ना। रीजन देखिए, एक्चुअली जो सोलर एनर्जी वाला जो केस है ना, इसमें केवल समझ लीजिए कि आप वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो आप एनर्जी ले रहे हैं, आपने पेमेंट किया, ठीक है, चलिए कोल आ गया। सोलर एनर्जी में क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप प्लांट लगाइए, ठीक है, उसके बाद से फिर आपको बार बार पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा ना, तो जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग रिपेयरिंग जो है सो है, एक बार आपने प्लांट लगा दिया, ठीक है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है। अगर कैपिटल कम है तो आप कहीं से लोन ले लीजिए, लेकिन एनर्जी वाला प्रॉब्लम जो है ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो बार बार खरीदा जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें तो ज़्यादा पैसे जाएंगे ना, और वो हमेशा के लिए है भी नहीं, तो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट वन जो है ये स्ट्रांग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नाइन, शुड देयर बी अ स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी? आर्गूमेंट, नो, दिस विल क्रिएट अ पोलिटिकल एटमोसफियर इन द कैंपस। यस, इट इज वेरी नेसेसरी, स्टूडेंट आर फ्यूचर पोलिटिकल लीडर। ठीक है, देखिए मैक्सिमम हमने आपको बताया हुआ है कि कई सारे जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, आर्गूमेंट हो, कंक्लूजन हो, अगर एक टाइम के लिए आप कोई भी लॉजिक अगर आपको नहीं मालूम है ना, बस आप उसको जो है करेंट से जोड़ दीजिए, आप करेंट से ऐड कर दीजिए, देख लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है। अब ये देखिए, स्टूडेंट यूनियन वाली बात है, कहा जा रहा है कि हाँ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, और कहा जा रहा है नहीं पॉलिटिकल लीडर के लिए ये, ठीक है, मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर जो है सब कहाँ से आते हैं, सब यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, ठीक है ना। देखिए दोनों ही आर्गूमेंट जो है स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि ये भी सही है कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से आप कनेक्ट करिए, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, जिसमें इसको बैन कर दिया गया है, तो कुछ लॉजिक है तभी तो उसको बैन किया गया है, इसका मतलब वो चीज़ें क्या है, सही है। अच्छा, कहीं कहीं पे अभी भी इलेक्शन चल रहा है, इसका मतलब ज़रूरी है, इसलिए वहाँ बैन नहीं किया गया है, तो दोनों ही आर्गूमेंट क्या है, स्ट्रांग है। करेंट से आप ऐड करिए, मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन है ना, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अभी आप कॉलेज में हैं ही, आप तो मालूम होगा, तो इसमें जो है दोनों ही आर्गूमेंट जो है स्ट्रांग है, बोथ वन एंड टू। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। डाउट है, देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसके फायदे नुकसान क्या हैं, ठीक है, इसको बोलना नहीं चाहते थे ज्यादा, लेकिन नो दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फियर इन द कैंपस। बात सही है, ये पॉलिटिकल एटमॉस्फियर क्रिएट होता है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है, ठीक है, होता क्या है ना, एक महीने तो आप समझ लीजिए पढ़ाई वढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती है, दूसरा जो भी पॉलिटिकल लीडर होता क्या है ना कि इसमें कॉमन पब्लिक, स्टूडेंट की बात तो उठाई नहीं जाएगी, ठीक है, आप किसी भी कहीं पे भी चले जाइए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे DU हो, चाहे कोई भी जगह हो, ठीक है, स्टूडेंट की जो डिमांड है, ठीक है, कि उनको हॉस्टल मिलना चाहिए, ठीक है, टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, टाइमिंग से क्लासेज चलनी चाहिए, तो जो भी इलेक्शन है ना ये स्टूडेंट की डिमांड पे होता ही नहीं है। इसमें जो बड़ी 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 जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट उठाती हैं, ठीक है। अब DU AU का बजट कितना है, कम से कम 10,000 से 50,000, 1,00,000 तक आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन खर्च कितना होता है, 30,00,000 के आसपास। ये फंडिंग आती कहाँ से है, ये जो आपकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ये फंड करती है इनडायरेक्टली, कैंपस में पूरा पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है, प्रोफेसर प्रोफेसर को गाली दी जाती है, वो ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते, तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है।
ठीक है, दूसरा फायदे इसके क्या है, पॉलिटिकल लीडर आएंगे कहाँ से, एक बेसिक जो प्लेटफॉर्म है, जो नर्सरी है, वो कहाँ से मिलती है, कॉलेज से ही मिलती है, पहले फायदे तो ये है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी यूनिवर्सिटी में जो है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी करने लगता है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की केस है, अभी आप शायद देखे होंगे, मे बी, एक प्रोफेसर साहब थे, नाम नहीं लेंगे उनका, उन्होंने एक स्टूडेंट को जो है पूरे क्लास में 50 बच्चों के सामने आया, ठीक है, एक्चुअली 60 एज हो गई है, और जब 60 जब एज हो जाए ना, तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग काम तो करता नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुनिरबा का ही केस है, उन्होंने क्या किया, 50 बच्चों के सामने जो है उस बच्चे को जो है बड़ा बुरा कह दिया उन्होंने, तुरंत जो है कुछ, वो बच्चा हॉस्टल में गया, पॉलिटिकल पार्टी कुछ लीडर थे उनसे बात की, तुरंत सब एक्शन में आए, रोड के सामने उस प्रोफेसर को जो है कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी। अगर सपोज कीजिए ये सिस्टम ना रहता, ये यूनियन ना रहता, तो कोई अपनी मनमानी करता, तो कम से कम उनको अपनी औकात तो समझ में आई ना, तो फायदे भी हैं नुकसान भी है, ठीक है। चलिए, इसीलिए लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे थे। देखिए ये 10th वाला देखिए क्या है, सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, तुरंत कुछ नहीं आपको मालूम है ना, ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है स्टेटमेंट वाला, तुरंत प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, स्टेटमेंट के 90 से 95% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्या दिया गया है, ये ड्रॉट वाला केस जो है ये रिपोर्ट हुआ है ना, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन हो, गवर्नमेंट शुड इमिडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। अब जो अफेक्टेड हुए हैं उनको क्या किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, पैसे दिए जाए उनको। दूसरा, फूड वाटर एंड फूडर शुड इमिडिएटली बी सेंड टू ऑल दोज एरिया टू सेव द पीपुल एंड कैटल। आप ये बताइए तुरंत किया क्या जाता, ठीक है, बहुत टाइम पहले केरला में बाढ़ आई थी, जब भी ये सब आता है तो तुरंत क्या किए जाते हैं, अकाउंट में उनके पैसे भेज दिए जाते हैं, पानी में आदमी तैर रहा है तो उसके लिए तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं 1 लाख रुपये, तैर के ले लो, पहला वाला गलत हो जाएगा। ये चीज़ नहीं की जाती ना, सबसे पहले क्या है, उनको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, ठीक है, फिर से रिहेबिटेशन उनके प्रोवाइड किया जाए, फिर दूसरा वाला काम किया जाता है, ठीक है। पहला वाला अगर तुरंत पैसा दे दिया जाए, ठीक है, 50,000 60,000 में क्या होगा, घर तो उनका बह गया, 50 60,000 में कुछ हो नहीं पाएगा। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाएगा, तो दूसरा वाला होगा केवल स्ट्रांग जो है, ओनली टू फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज स्टेटेड इन द रिसेंट सेंसस रिपोर्ट द फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंग लो, ठीक है, सेक्स रेशियो जो है ये कम है, ठीक है ना। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट। अब आप ये बताइए 10 साल पे जो है एक बार सेंसस की रिपोर्ट आती है, ठीक है, इतने अच्छे से उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, अब एक बार आ गया है कि सेक्स रेशियो कम है, ठीक है, तो फिर इसको जो है तो फिर वेरीफाई करने की क्या जरूरत है कि फिर चलें दूसरा सेंसस, फिर दूसरा डाटा जो है फिर कलेक्ट करें, इसी को कलेक्ट करने में 10 साल लग जा रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड इमिडिएटली इशू ऑर्डर टू ऑल द डिपार्टमेंट टू इंकरेज पीपुल टू इम्प्रूव द रेशियो। जब रिपोर्ट ऑलरेडी वहाँ से आ गई है कि सेक्स रेशियो कम है, तो जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सब उनको ऑर्डर दिया जाए कि इस चीज़ को आप क्या करिए, इम्प्रूव करिए, कैंपेन स्टार्ट करिए, तो केवल स्ट्रॉन्ग जो है दूसरा वाला जो है यही कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया, ठीक है ना। जो भी हो, बॉय का रेशियो बढ़े या, ठीक है, नंबर बढ़े या गर्ल्स का बढ़े, इसमें कोई इशू नहीं है, लड़कियां भी बढ़ रही है, लड़के अगर कम हो रहे हैं फिर वो भी दिक्कत है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स्ड अ फी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन विच आर मच लोअर देन द फीस चार्ज लास्ट ईयर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में एक बच्चे का डाउट ये है
यहाँ पे ऑल द डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ पे रिलेटेड डिपार्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो ये भी ठीक ही है, रिलेटेड डिपार्टमेंट अगर रहेगा तो ये ज़्यादा करेक्ट रहेगा। अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ना, एनटीए अगर इसको बना रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि तो अगर ये सेक्स रेशियो कम है तो इसमें सारे डिपार्टमेंट थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेंगे और सारे डिपार्टमेंट थोड़ी ना कंपेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे सेक्स रेशियो कम हो रहा है, ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है रिलेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब देखिए, एजेंसी पे डिपेंड करेगा कि वो किसको सही कर रहा है। अब अगर ऑल द डिपार्टमेंट लिखा है ना, तो अगर रियल में देखा जाए तो ये भी गलत हो जाएगा, रिलेटेड डिपार्टमेंट सही होना चाहिए। आपकी बात सही है, ठीक है ना। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो फिर क्लेम किया जाएगा इस पर, ठीक है ना। रिलेटेड अगर नहीं लिखा है ना, तो फिर बोथ रॉन्ग होना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया। ऑल द डिपार्टमेंट लिखा है, अगर हो सकता है कि एजेंसी जो है ऑप्शन बी भी दे दे या बोथ गलत भी कर दे, ठीक है ना। माइन्यूट सा थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, रिलेटेड होता तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता, ठीक है। डी टिक करिए अभी के लिए इसको, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड नहीं लिखा है और ऑल बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, इसमें जो है कोई सा भी कॉज हो सकता है, कोई सा भी इफेक्ट हो सकता है। एक बार आप पढ़िए अच्छे से, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए क्या दिया गया, दिया गया है कि द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्स ऑफर्ड बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन विच आर मच लोअर देन द फी चार्ज लास्ट ईयर। ठीक है, देखिए जो भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस है ना, प्रोफेशनल यही एमबीए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने फीस फीस जो है एक डिसाइड कर दिया, जो कि इस बार जो है काफी कम है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर जो इंस्टीट्यूट थे ना, वो ज्यादा चार्ज कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार कम फी एक फीस जो है फिक्स कर दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर से इस बार क्या है कम है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या दिया गया है। द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट लॉन्च अ सीवियर, ठीक है, एजुकेशन लास्ट ईयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई फीस चार्ज बाई द अनएडेड इंस्टीट्यूशन। अब आप बताइए इसमें से कॉज क्या हो सकता है और क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये कॉज है और ये वाला क्या है, ये इफेक्ट है, ठीक है। क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट का इफेक्ट ये रहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फीस को जो है कम करा दिया, ठीक है। तो ये कॉज है और ये क्या है, इफेक्ट है। देखिए, ये स्टेटमेंट ए है और ये स्टेटमेंट बी है, यहाँ ए और बी लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज इफेक्ट, तो ऑप्शन बी जो है ना, ये सही है। ताकि किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और हमने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन का करने का पहला तरीका क्या होना चाहिए। क्या दिया गया है, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन दिस दिस दिस, हमने ये कहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब क्रॉस चेक करना पड़ेगा चेंज करके, फिर देखना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन सही है। तो इसमें जो है ना, हमने आपको ये बताया हुआ है कि आप क्या करिए, आप देखिए डिवीजन कहाँ पे है, दिया गया है कि माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। अब आप ये बताइए, ये माइनस है, यही माइनस किस में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में कन्वर्ट होगा। तो आप ये बताइए, 7/3 अगर होगा तो वैल्यू पॉइंट में आएगी कि नहीं, और यहाँ तो कंप्लीट नंबर है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। साथ में हमने एक बात ये भी बताई थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, सपोज कीजिए कि इसको डिवाइड करने में आ गया 0.25, कुछ भी आ गया 7.25, और इंटू कहीं 4 हो, तब तो ये कंप्लीट नंबर आ जाएगा ना। तो जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट में आ रहा हो तो ये फुल नंबर नहीं आ सकता, कंप्लीट नंबर नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन पहली बार में इसको आप चेक मत करिए, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉइंट में रहने के बाद भी कंप्लीट नंबर आ सकता है, पहले से बता दे रहे हैं आप। तो क्या तरीका है, आप देखिए कि कहाँ पे माइनस है और उसका मतलब डिवीजन है और डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा। तो देखिए, ये माइनस है, अभी ये डिवीजन में कन्वर्ट होगा, वैल्यू पॉइंट में आएगी, माइनस है डिवीजन में कन्वर्ट होगा माइनस में, सॉरी पॉइंट में आएगा, यहाँ माइनस है डिवीजन में कन्वर्ट होगा पॉइंट में आएगा,
यहाँ माइनस है, डिवीजन होगा तो पूरा नंबर आएगा, अगर आपके पास समय नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा, मैक्सिमम 5 सेकेंड के अंदर। टाइम है तो पूरा सॉल्व करके चेक कर लीजिए। चेक कर लेते हैं इसको, क्या था 49, ठीक है, माइनस 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8, ठीक है, लाना है एकदम। इस तरीके से करना नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ। देखिए माइनस का क्या मतलब है डिवीजन, प्लस का क्या मतलब है इंटू, डिवीजन का क्या मतलब है माइनस, और इंटू का क्या मतलब है प्लस। फिर आप बोर्ड मास वाला तरीका जानते होंगे, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ क्या होगा 7, फिर इंटू 3 माइनस 5 प्लस 8, इस तरीके से लिख के नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो ये कितना हुआ 21 माइनस 5 प्लस 8, तो ये कितना हुआ 29 माइनस 5 24। सिंपल, ऑप्शन बी टिक कर दीजिए। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि 5-6 सेकेंड में, मैक्सिमम 30 सेकेंड में हो जाए। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे टोटल, अगर रीजनिंग में सपोज कीजिए 30 क्वेश्चन है ना, तो 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, सब अंदर टाइम में हो जाएगा। इनके सपोज कीजिए टफ बन ही जाए, सिंपल सी बात है, कट ऑफ कम होगी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 14 देखिए क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है कि 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ठीक है, सुधा स्कोर हायर देन पूजा। देखिए सुधा का जो स्कोर है ना, ये पूजा से ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, कविता स्कोर लोअर देन सुमा, ठीक है, कविता का स्कोर जो है ये सुमा से कम है, ठीक है, तो कविता का स्कोर जो है सुमा से कम हो गया, तो यहाँ पे सुमा लिख लेते हैं, ये सुधा करना पड़ेगा, ठीक है, और ये कविता लिख लेते हैं, बट हायर देन सुधा, लेकिन कविता का स्कोर जो है ना ये सुधा से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है कि ममता स्कोर बिटवीन पूजा एंड सुधा, ममता का जो स्कोर है ना ये पूजा और सुधा के बीच, तो आप ये बताइए यहाँ पे हम ममता कर लें और इसका स्कोर किसके बीच में है, पूजा और सुधा के बीच में है, तो यहाँ पे पूजा कर देते हैं, यहाँ पे सुधा हो गया, पूरा देखिए सब फिट हो गया। एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सुधा स्कोर हायर देन पूजा, ये फाइनल लाइन है, सुधा स्कोर जो है ये देखिए पूजा से अधिक मार्क्स है, सही है। कविता स्कोर लोअर देन सुमा, देखिए कविता का स्कोर सुमा से कम है, ये भी सही है, लेकिन सुधा से अधिक है, सुधा से अधिक है। ममता का स्कोर पूजा और सुधा के बीच में है, ये देखिए ममता का स्कोर जो है ये देखिए सुधा और पूजा के बीच में है, सही है। सबसे कम मार्क्स किसके हैं, पूजा के, सुंदर। किसी को कोई दिक्कत है, यस या नो बताइए। बहुत अच्छी बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या दिया गया, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेस वुड बी द मीनिंगफुल ऑर्डर, देखिए इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, देखिए क्या है, पुलिस है, पनिशमेंट है, क्राइम है, जस्टिस है, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, पनिशमेंट डी में है ये लास्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया कि आई एम फेसिंग ईस्ट, तो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये किस साइड है, ईस्ट में है ना, देखिए ये ईस्ट में हो गए, ठीक है, उसके बाद से ये क्लॉक वाइज में आते हैं, तो आप जानते हैं क्लॉक वाइज इस तरीके से होता है और एंटी क्लॉक वाइज इस तरीके से होता है, तो ये 100 डिग्री क्लॉक वाइज आ रहे हैं, तो आप ये बताइए इस तरीके से आएंगे क्लॉक वाइज, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, ये पूरा 100 डिग्री होगा, है ना, एंड देन 145 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। अब आप ये बताइए कि 145 एंटी जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा ना, अब यहाँ से 145 जाना है, तो आप ये बताइए 100 ये हो गया, 45 क्या होगा, ये 45 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 145, 100 यहाँ तक, 45 यहाँ, तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, बी ऑप्शन, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, सिलॉग का क्वेश्चन है और सिलॉग के तो आप मास्टर हो गए होंगे। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि ऑल पिन आर रॉड। अब ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, डायरेक्ट आपको एक बार आंसर बताते हैं फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए आपके पास 5-6 सेकेंड का टाइम, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा ऑल पिन आर रॉड, सम रॉड आर चैन, ऑल चेन आर हैमर, ठीक है ना। वैसे भी सीयूटी का एग्जाम इतना थोड़ा सा लेंदी रहेगा ना कि टाइम थोड़ा सा कम पड़ेगा। कंक्लूजन देखिए क्या लिखा है, सम पिन आर हैमर, और दिया गया है कि नो पिन इज हैमर। तो सिंपल सी बात है, पहले और तीसरे में क्या होगा, आइदर और। केवल ऑप्शन डी में है, पहले और तीसरे में आइदर और। आप तुरंत डी टिक करके जो है ना बाद में इसको आप इसको टिक कर सकते हैं पूरा। टाइम है तो आप एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए, अदरवाइज ठीक है। सपोज ये आखिरी क्वेश्चन है, 2 सेकंड का टाइम है, आप कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कितने सेकंड में किया था आप लोगों ने जरा चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में हमें बस टाइम बताइए कि कितने सेकंड में इसको किया था आपने, लगभग एक आइडिया लगे हमें। बहुत अच्छी बात है, विमलेश यादव 5 सेकंड में, शिवम 15 सेकंड, सब देखिए सेकंड में होना चाहिए। कोई कह रहा है 25 मिनट, लेकिन बाद में उन्होंने लिख दिया टोटल, नहीं तो एक अटैक आ जाता अभी सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात है, मैं लगा 25 मिनट इसी पे लग गया, तो हो गया फिर। चलिए सबका जो है 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड में मैक्सिमम आ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि ऑल पिन आर रॉड, देखिए ये सारे पिन जो है ना ये रॉड है, ऐसे डायग्राम बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि सम रॉड और पिन, कुछ सॉरी सम रॉड और चैन, कुछ रॉड जो है ना चैन है, ठीक है ये कुछ रॉड जो है चैन हो गए। फिर क्या दिया गया है कि ऑल चैन आर हैमर, तो देखिए सारे चैन जो है ना ये हैमर है, देखिए सारे चैन हैमर हो गए, तो देखिए सारे चैन जो है ये हैमर हो गए, ठीक है। दूसरा डायग्राम भी बन सकता था अगर आप इसको माइंड में बना लें, टाइम आपका सेव होगा। बना देते हैं दूसरा, क्या दिया गया है कि ऑल पिन आर रॉड, ये देखिए सारे पिन जो है ना रॉड है। फिर क्या दिया गया है कि सम रॉड आर चैन, ठीक है सम रॉड जो है ये क्या है चैन है, ये चैन हो गया। फिर क्या दिया गया है ऑल चैन आर हैमर। अब अगर ऐसे कर दें तभी सही है, कंक्लूजन पे आइए, सम पिन आर हैमर, कुछ पिन हैमर है। अब आप ये बताइए यहाँ से कोई पिन हैमर है, नहीं, लेकिन यहाँ से है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, तो अभी के लिए क्या करते हैं इसको गलत मान लेते हैं अभी के लिए। अब देखिए दूसरे पे आइए, सम हैमर और रॉड, कुछ हैमर जो है ना रॉड है, देखिए ये हैमर का पोर्शन ये रॉड का पोर्शन, सही है, कुछ हैमर रॉड है कुछ हैमर रॉड है, दोनों ही डायग्राम से दिख रहा है कि हैमर रॉड है, कुछ हैमर रॉड है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तीसरे पे आइए, नो पिन इज हैमर। अब देखिए यहाँ पे सही है कि कोई पिन हैमर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कोई पिन हैमर है ना, तो देखिए पहले और तीसरे में क्या होगा आइदर और। एक जगह कह रहा है कि कोई पिन हैमर है और एक जगह कह रहा है कि कोई पिन हैमर नहीं है, सिंपल सी बात है, दोनों में से क्या होगा, कोई एक ही बात तो होगी ना, ठीक है। तो पहले और तीसरे में आइदर और, दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए अब आइए 18th क्वेश्चन पे, इसमें देखिए क्या दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है कि सम बुक्स आर पेपर, देखिए कुछ बुक जो है ना ये पेपर है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, सम पेपर आर डेस्क, कुछ पेपर जो है ना डेस्क है, तो देखिए कुछ पेपर जो है ये डेस्क होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल डेस्क आर चेयर, सारे डेस्क जो है ना ये चेयर है, तो देखिए सारे डेस्क जो है ये चेयर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन देखिए, सम बुक्स आर चेयर। अब आप ये बताइए क्या कोई बुक चेयर है, ये तो सिमिलरिटी कुछ मिली नहीं गई है, पहला गलत, ठीक है ना। कुछ नो करके लिखा होता तो कुछ और डायग्राम सोच सकते थे, नो करके लिखा नहीं है तो दूसरा डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सम पेपर आर चेयर, देखिए कुछ भी करेंगे आप सम पेपर आर चेयर तो होगा ही होगा, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा सम बुक्स आर चेयर,
कुछ बुक चेयर है, ठीक है? तो ये देखिए, कुछ बुक चेयर कहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बुक जो है डेस्क भी नहीं है, बुक जो है चेयर भी नहीं है। तीसरा भी गलत, वही टू फॉलो। सिंपल था, किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट हो तो बताइए। चलिए, अच्छी बात है। 19th देखिए, क्या दिया गया है? माउस की जो कोडिंग है ये PRUQC है, तो आपसे जो है ना शिफ्ट की कोडिंग पूछी जा रही है। तो आप ये बताइए कि इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 15, सॉरी 13, 15, 21, 19, ठीक है ना? इसकी क्या होगी? 16, 18, 21, 17, 3, ठीक है? अब देखिए क्या हो रहा है, 13 से 16 प्लस 3, 15 से 18 प्लस 3, 21, 21 वही बीच में सेम है, 19 से 17 दो कम, 5 से 3 दो कम, आखिरी में दो का क्या हो रहा है? दो कम हो रहा है ना। देखिए काम करते हैं, टी की वैल्यू कितनी होती है? 20, दो कम करिए कितना होगा? 18, 18 की वैल्यू क्या होती है? आर। देखिए कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी और सी में दिया गया है आर। अब देखिए स्टार्टिंग में भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि वी और वी सेम है, आखिरी का भी नहीं चेक करेंगे डी और डी। अब हम सेकेंड को टारगेट करते हैं, ये क्या है, एच की वैल्यू कितनी होती है? 8, 3 बढ़ रहा है, 15 से 18 हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 8 में प्लस 3 कर देंगे 11, ठीक है? 11 की वैल्यू क्या होती है? 8, ठीक है? देखिए जरा कहीं है ऑप्शन बी, सिंपल, पूरा चेक करने की जो है जरूरत ही नहीं है। सिंपल था, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मैट्रिक्स और लीनियर अरेंजमेंट का है, आपने सिलेबस में देखा होगा और लास्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था। तो लीनियर अरेंजमेंट में तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट का है। और मैट्रिक्स अरेंजमेंट आपने नहीं किया है ना, तो प्ले लिस्ट में DI 2022 की जो वीडियो है उसमें आई थिंक 26 से 40 तक की जो वीडियो है वो मैट्रिक्स और लीनियर अरेंजमेंट की है, इसी टॉपिक से है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 2022 के 26 से 40, 15 से 16 वीडियोज हैं, इसको आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले खुद से सॉल्व करिए फिर करिए। देखिए क्या दिया गया कि PQRSNT फिनिश द वर्क वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना? वन ऑफ द डे बींग अ होलीडे, ईच वर्किंग ओवर टाइम ओनली ऑन वन ऑफ द डे, ठीक है? अब देखिए यहाँ सबसे पहले एक काम करते हैं, डे लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो मंडे है, ट्यूजडे है, वेनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। अब देखिए जरा क्या दिया गया है, दिया गया है कि आर एंड टी डिड नॉट वर्क ओवर टाइम ऑन द फर्स्ट डे। देखिए पहले दिन जो है ना आर और टी ये ओवर टाइम नहीं करते, ठीक है? चलिए कोई नहीं। फिर दिया गया है कि क्यू वर्क ओवर टाइम द नेक्स्ट डे आफ्टर द होलीडे। देखिए होलीडे के बाद क्यू वर्क करता है, तो ये देखिए हमने लिख लिया होलीडे के बाद क्यू वर्क करता है, ठीक है ना? होलीडे पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। नेक्स्ट देखिए, द ओवर टाइम वर्क डन ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द होलीडे वॉज बाई आर। होलीडे के पहले किसने काम किया है? आर ने काम किया है, तो होलीडे के पहले आर ने काम किया है, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए टोटल है कितने, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, और एक दिन तो संडे हो जाएगा, टोटल 6 दिन का काम है। अब देखिए फिर दिया गया है कि देयर वाज अ 2 डे गैप बिटवीन द डे ऑन विच पी एंड क्यू वर्क ओवर टाइम। अब आप ये बताइए कि क्यू यहाँ पे आ गया और 2 दिन का गैप है पी और क्यू में, तो 2 दिन हुआ, एक एच हो गया होलीडे हो गया और एक आर वाला दिन हो गया जिस दिन उसने काम किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा। देखिए कितना सिंपल है। अब आखिरी देखिए, पी वर्क ओवर टाइम द नेक्स्ट डे आफ्टर द ओवर टाइम डे ऑफ और एस। ये देखिए सिंपल सी बात है, पी किसके बाद आ रहा है, एस के बाद आ रहा है, अब बचा कौन आखिरी में, ई बचा। इतना सिंपल था, ठीक है? आपको लेंदी नहीं देखना था, आपको बस एक एक स्टेटमेंट पढ़ना था, जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे करना था। अभी हमने मॉक में सिंपल दिया है, जब आप 25 से 40 तक की वीडियो देखेंगे तो और अच्छे लेवल का भी है उसमें। आइए जरा क्वेश्चन पे, क्या दिया गया है कि टी ने कब काम किया है, तो आखिरी में किया है और किसके बाद किया है, क्यू के बाद किया है, ठीक है ना? तो क्या है, ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच क्यू वर्क, तो ऑप्शन बी सही है।
और फिर क्या है कि हाउ मेनी डे गैप वॉज देयर बिटवीन द डे ऑन विच पी एंड टी वर्क ओवर टाइम। तो पी और टी में जरा देखिए कितने दिन का गैप है, पी और टी में कितने दिन का है, 3 दिन है, सिंपल। ठीक है ना, जरा चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने नहीं किया था इसको, जिन्होंने किया हो तो ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया इसको वो बताएं। कोई कह रहा है टी को सबसे पहले नहीं रख सकते, आप ये बताइए टी को सबसे पहले कैसे रखेंगे, एक एक स्टेप देखिए ना। क्या दिया गया है, दिया गया है क्यू वर्क ओवर टाइम ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर होलीडे, होलीडे के बाद क्यू आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्यू और पी के बीच में दो गैप है, तो दो गैप हो गया, पी किसके बाद है, एस के बाद है, तो टी कैसे रखेंगे आप बताइए। और कोई कह रहा है कि टी को सबसे पहले रख दीजिए, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, टी को सबसे पहले रख दिया। टी को सबसे पहले रखने का क्या मतलब है, ये मंडे है, ये ट्यूजडे है, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है, और पहली लाइन लिखी गई है कि मंडे को आर और टी काम नहीं कर सकते, तो टी पहले कैसे आएगा, पहली लाइन पढ़िए। ये जो सीक्वेंस लिखा गया, क्या लिखा गया, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे का ये सीक्वेंस है, मंडे को टी नहीं आ सकता, आर और टी नहीं आ सकते मंडे को, क्लियर है अब, आया ना लिखिए फिर आगे बढ़ें। चलिए देखिए, तो जितने लोग इसको नहीं कर पाए जरा चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। आर का पोजीशन तो यहीं पे है, आर का पोजीशन कब है, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे, ठीक है, आर का पोजीशन ये है, वेनेसडे को है, ऐसे फिल कर लीजिए ना, ये क्या हुआ, ये एस हुआ, ये पी हुआ, ये आर हुआ, फिर ये होलीडे है, फिर क्यू का वर्क है, फिर टी का है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए 25 से जो 40 तक की वीडियो है, 26 से, और जो ऐसे स्टेटमेंट वाले जो लेंथी क्वेश्चन है ना, इसको आप कोशिश किया करिए कि आखिरी में रखा करिए, ठीक है, क्योंकि जितने देर में उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, अभी तो था ना कि आपने पूरा पढ़ा, एक सेट आपने बना लिया, तो उससे दो क्वेश्चन आ गए, कभी कभी सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तो जितने देर में उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना आप 20 वाले को, उतने देर में आगे के 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो कोशिश करिए कि ये जितने लेंदी वाले क्वेश्चन हैं इसको आप बिल्कुल आखिरी में किया करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको करते हैं, क्या दिया गया है कि इन अ क्यू अमृता इज टेंथ फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, स्टार्टिंग से जो है ना ये 10th पोजीशन है, ठीक है। चलिए एंड मुकुल इज 25th फ्रॉम हियर एंड ममता इज इन द मिडिल ऑफ टू, ममता जो है ना क्या है, दोनों के बीच में है, ठीक है, टोटल 50 हैं, ठीक है, एंड व्हाट डज द ममता ऑक्युपाई फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। देखिए आप ये बताइए कि टोटल 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, और अमृता की पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग से 10 है, और मुकुल की पोजीशन क्या है, ये बैक से कितना है, 25 है, और ममता जो है इसी के बीच में है, तो आप ये बताइए टोटल 50 बच्चे, ठीक है, स्टार्टिंग से इनकी पोजीशन कितनी पे है, 10th पे है, और मुकुल से पीछे से पोजीशन कितनी है, 25 पे है, आप ये बताइए बीच में कितने लोग बचे, 15 लोग बचे, ठीक है, और ममता की पोजीशन इसी बीच में होगी, इसको कैसे किया जाए, देखिए स्टार्टिंग से 10th पोजीशन पे कौन है, अमृता है, और बैक से 25th पोजीशन पे कौन है, मुकुल है, इसी के बीच में 15 गैप है, और इन्हीं दोनों के बीच में ठीक जो है ममता है, तो आप ये बताइए कि कोई 15th पोजीशन होगी, 7 इधर 7 इधर 14 हुआ, और ये 15th वाली पोजीशन पे कौन है, मतलब ये 8th वाली पोजीशन पे यहाँ पे कौन है, इसके बाद ममता है,
पूछा गया है कि फ्रंट से ममता की पोजीशन क्या होगी। तो देखिए, ये 10 हुआ, ये 7 हुआ, और ये जिस पे है ममता पोजीशन 1 हुआ, तो कितना हो जाएगा 12। सिंपल था, तो 18 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर जो है दोनों शिफ्ट कंबाइन करके वेन डायग्राम से 11 क्वेश्चन आए थे। पहले शिफ्ट में 8, दूसरे शिफ्ट में 3। इम्पॉर्टेंट है वेन डायग्राम। देखिए दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 70%, ठीक है, पास इन मैथ्स, 20 जो है दोनों में फेल है। और फिर दिया गया है कि 25 स्टूडेंट दोनों में पास हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब आप हमें ये बताइए, हमने आपको ये चीज बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। ये जो है ना एटलीस्ट होते हैं जो कम से कम किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं। तो आप ये बताइए, जब 20 दोनों में फेल हैं, तो इसका मतलब 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी में पास हैं। इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 60%, और इसमें पास होने वाले कितने हैं 70%, ठीक है। दोनों में कॉमन कितने हैं बता दिया जाएगा भाई, ये कितना हुआ 130 या 80, इसका मतलब दोनों में पास होने वाले कितने हैं 50%। अब आप ये बताइए कि दोनों में पास होने वाले 50%, इनकी वैल्यू कितनी है 2500, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 5000। इसको कराया भी था फ्रीज वाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि इन अ टाउन 130 पीपल 66 रीड मैगजीन एल, 56 मैगजीन एम, 63 एन, 27 दिस दिस, ठीक है। देखिए तीन न्यूज़पेपर है, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। आपको किसी ने बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन वाला फिल करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है, देखिए सब कुछ नंबर में दिया गया, और इस 5 को ऐसे लिख दिया गया है ताकि एक बार में दिखे ना, ठीक है, हिंदी में जबकि लिखा गया है 5 पीपल रीड ऑल द 3 मैगजीन, तो ये 5 यहाँ पे फिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या दिया गया है, एल और एम देखते हैं। एल और एम में देखिए कितना कॉमन है, ओनली 27 रीड एल एंड एम। ये बताइए 27 एल और एम में होना चाहिए, 5 ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना होगा 22 होगा। आखिरी में जरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल रीड ओनली मैगजीन एल, तो हम यही केवल एल वाला ही देखेंगे। एल और एन में जरा देखिए कितना कॉमन है, 23 रीड एल एंड एन, तो एल और एन में 23 है, ये 5 हो गया, तो कितना हो गया 18। अब देखिए हमने आपको बताया है कि ये जो पूरा है ना ये मैगजीन एल हो जाएगा, और सिर्फ ये वाला जो पोजीशन है ये वनली होता है। जो आपको वेन डायग्राम वाली बेसिक जो क्लास थी स्टार्टिंग में यही बताया था, स्टार्टिंग के 5 मिनट में। ये बताइए एल वाले कितने हैं, 66, 22, 5 और 18 प्लस करके 66 से माइनस करिए कितना आ रहा है 21। सिंपल, एल पढ़ने वाले कितने हैं 21, ठीक है ना। सेम अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास की है कर लेंगे। इसको देखिए, देखिए थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, आई थिंक पीवीटी एमबीए। क्या दिया गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 कॉलेज स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंस ऑफ देयर काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है, ये पास्ता पिज्जा बर्गर है आपका फेवरेट। और दिया गया है कि 25% सेड दे लाइक पास्ता एंड पिज्जा एंड ऑल, ऐसे करके दिया गया है। सारा डाटा जो है इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया कि कहाँ गया, 25% लाइक पास्ता एंड पिज्जा, ठीक है ना। देखिए पास्ता एंड पिज्जा वाले जो है कितने हैं 25%, 25% मतलब 400 का 25% कितना होगा 100, ठीक है। 25% से दे लाइक पास्ता एंड बर्गर, तो पास्ता एंड बर्गर वाले भी कितने हैं 25% मतलब 100। यहाँ तक हो गया, ठीक है, नहीं यहाँ तक हुआ। 20% लाइक पिज्जा एंड बर्गर, पिज्जा एंड बर्गर वाले कितने हैं 20%, ठीक है। 20% का कितना मतलब हुआ 80, ठीक है। अब आइए इधर, 10% से दे लाइक ऑल 3, देखिए तो पास्ता पिज्जा बर्गर ये कितना हो गया 10%,
10% का मतलब 40, ठीक है। फिर और आगे आइए, क्या दिया गया है, 60% ऑफ द स्टूडेंट लाइक पास्ता। अब देखिए पास्ता वाले कितने हैं, 60% है पास्ता, ठीक है। 60% मतलब 6 × 4, ठीक है, 240। उसके बाद क्या है, 65% लाइक पिज्जा। तो आप ये बताइए पिज्जा वाले कितने हैं, 400 का 65% करिए, 260। और आखिरी बर्गर वाले कितने हैं, 55%, 400 का 55% कितना होगा, 220। चलिए ठीक है ना, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है, कर लेता हूँ यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, पास्ता पिज्जा बर्गर, ये जो है पास्ता कर लेते हैं, इसको जो है पिज्जा कर लेते हैं, इसको बर्गर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली पिज्जा, तो केवल हमें पिज्जा वाले पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो कॉमन फिल कर लिया जाए, तो कॉमन वाले कितने थे, 40, तो ये देखिए 40 हो गया, इसी को टारगेट करना है पिज्जा वाले। अब देखिए जरा पास्ता और पिज्जा में कितना कॉमन है, पास्ता और पिज्जा सबसे स्टार्टिंग में कितना दिया गया है, 100, तो 40 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, 60। कितना आसान सा क्वेश्चन। पिज्जा और बर्गर में देखिए कितना है, पिज्जा और बर्गर में 80 है, 40 हो गया, तो कितना होगा, 40। पिज्जा वाला कितना है, 260, और ऑलरेडी 60, ठीक है, 140 हो चुका है, 260 में 140 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 120। सिंपल था ना, एकदम सेम आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको देखिए, ये इसका क्वेश्चन है, डीआई पाई चार्ट दिया गया है, दिया गया कि द पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज दिया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, टोटल एम्प्लॉय 1200 है, अब देखिए, और ये जो है ना नंबर ऑफ फीमेल दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन डिपार्टमेंट मैनेजर एचआर एंड क्लर्क, ठीक है। अब देखिए आप ये बताइए डिपार्टमेंट मैनेजर में टोटल कितना है परसेंटेज, 37%। ये देखिए मैनेजर वाले में टोटल सभी में कितने इम्प्लॉई हैं, 1200 हैं, टोटल इम्प्लॉई कितने हैं, 37%। 37% का क्या मतलब हो जाएगा, 100 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 444। तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल इम्प्लॉई कितने हैं, 444, इसमें फीमेल कितनी है, 200, तो मेल कितने हो जाएंगे, 244। अब आप आ जाइए एचआर में, एचआर में 13%, 1200 का 13%, 1200 मतलब 12 × 13 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 156, ठीक है। और एचआर में फीमेल कितनी है, 116, माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 40। आखिरी क्लर्क, तो क्लर्क वाला कितना परसेंटेज है, 16%, 1200 × 1200 है, 16%, 00 कैंसिल, 12 × 16 कितना होगा, 192, माइनस क्लर्क में कितनी फीमेल है, 80, तो मेल कितने होंगे, 112, ठीक है। जरा टोटल करिए कितना होगा, 396, ठीक है। आपके वाला आखिरी का ही ऐड कर लीजिए, 6 कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल वर्किंग इन डिपार्टमेंट मैनेजर एंड क्लर्क एंड मेल इन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आप ये बताइए कि डिपार्टमेंट मैनेजर और क्लर्क में फीमेल कितनी है, तो ये मैनेजर और क्लर्क में 280, तो ये कितना हो गया, 280 फीमेल निकल गया। अब मेल का रेशियो देखिए किसमें, एचआर और मार्केटिंग में, तो आप ये बताइए एचआर में निकला हुआ है मेल कितने है, 40, ठीक है ना, और ये मैनेजर का निकला हुआ था, हमें किसका निकालना है, मार्केटिंग का भी मेल निकालना है, तो देखिए निकाल लेते हैं, मार्केटिंग में टोटल कितने है, 26% है, तो 1226, ये लिखने की जरूरत थी नहीं, लिख दिया आपने, 12 × 26 करिए कितना होगा, 312, ठीक है। और ये बताइए इसमें फीमेल कितनी है मार्केटिंग में, 167, माइनस कर दीजिए, 145, तो ये मेल निकल के आ गया, ठीक है। तो ये 280 हो गया और ये 185 हो गया, 5 से चला जाएगा ना, 56 × 37, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखिए,
दिया गया है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन मैनेजर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट। अब आप ये बताइए मैनेजर डिपार्टमेंट में फीमेल कितनी है, 200, और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 1200, कितना जा रहा है, 1/6, 1/6 की वैल्यू 16.66, ये किसके अप्रॉक्स है, 17% के अप्रॉक्स। इनको नहीं समझ में आया, वो पूरा डिटेल दिखे, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो फीमेल, ठीक है, वर्किंग मैनेजर डिपार्टमेंट है ना, ये टोटल एम्प्लॉय के कितने परसेंट हैं, कैसे निकालते हैं, 200 / 1200 × 100, ठीक है, ये कितना जाएगा, 600/6, 16.66, ये किसके अप्रॉक्स में है, 17% के अप्रॉक्स में है, जो आपको अच्छा लगे करना आपको इसी तरीके से। 29th, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क। अब देखिए कितना क्लर्क कितना है, 16% है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करिए, परसेंटेज कहीं पर लिखा हुआ अपॉन 100 करना होगा, और 360 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 0 0 कैंसिल, ये 8 और 5, इसको देखिए अप्रॉक्स में काटा जा सकता है, 5 7 या 35, 8 × 7 56, सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, 56 से अधिक आएगी, क्यों, इसको अभी हमने 35 समझ के कट किया है, 36 होगा तो अभी पॉइंट में ये समथिंग और आएगा, तो वैल्यू 56 से अधिक आएगी, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब आप ये बताइए 61 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी इच्छा है तो पॉइंट पे ले जाके मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, अब ये 8 हुआ, पूरा कर भी देते हैं, हमने आपको एक तरीका बताया ना, प्रॉक से भी कर सकते हैं आप, ये 8 हुआ, ये 5 हुआ, अब 8 × 36 करिए, ये कितना होगा, 288, और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया, 5, ऐसे चेक कर लीजिए, जब बहुत ज़्यादा क्लोज हो ना, 61 ना रहता, 58 59 रहता ना, तब ये जरूर करते। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर एंड मेल वर्किंग डिपार्टमेंट इन, ठीक है, सारी सभी डिपार्टमेंट में फीमेल सबसे पहले ऐड कर लीजिए, कितना होगा, देखिए 1200 में 603 फीमेल हैं, तो मेल कितने होंगे, 597, इसी का रेशियो निकाल दीजिए, 3 से चला जाएगा, 10%, ठीक है ना, जरा चैट बॉक्स में बताइए 30 में कितने सही हुए आपके, ट्वेंटी फोर, मैक्सिमम आंसर जो है 26 27 आया है, ठीक है ना, देखिए चलिए देखिए देखिए, हमने आपको बताया भी है कैसे करना है, आपको जो है ना, जब भी आप मॉक दे रहे हैं, मॉक आप कंटिन्यू दे ही रहे हैं, आप लैंग्वेज सेक्शन को एक टाइम अलॉट कर दीजिए, लैंग्वेज में आपको क्या करना है, मैक्सिमम, ठीक है, 25 मिनट आपको देने हैं, उसके बाद से रीजनिंग सेक्शन पे 25 मिनट आप दे दीजिए, उसके बाद से आप पूरा पूरा मैथ सेक्शन दीजिए, फिर कुछ थोड़ा बहुत टाइम बचेगा रीजनिंग पे आइए, और सबसे मेन जितने भी लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उसको आप जो है ना एक बार में स्किप किया करिए, दो बार में भी नहीं, उसको आप आखिरी में किया करिए, जैसे आप इसको देखिए, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये वाला था, अब आप जब सीयूटी एमबीए वाला जब देखेंगे ना, इतना बड़ा क्वेश्चन, और कभी कभी सिर्फ इससे एक क्वेश्चन आता है, बहुत आ गया तो दो आ गया, अगर इसी से 4 या 5 आ जाए ना, इस लास्ट ईयर ऐसा हुआ है, वेन डायग्राम वाले से एक ही सेट से 2-3 आया है, आपने एक बार सॉल्व किया 2-3 बन गया, मैट्रिक्स अरेंजमेंट से भी एक बार किया 2-3 बन गया, 2-3 बन गया तो ठीक है, अगर एक ही आया है ना, इसको आपको लास्ट में करना है, ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए उसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, सब देखिए सब 30-30 सेकेंड 20-20 सेकेंड के हैं, तो कोशिश आप ये करिए कि जितने भी स्टेटमेंट वाले हैं उसको आप बिल्कुल आखिरी में किया करिए, ठीक है, टाइम आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, अगर छूटेगा भी तो बहुत क्या होगा, जो लेंथी स्टेटमेंट वाला है वही तो छूटेगा, तो उस एक छूटने के बजाय 4 या 5 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो जाए विद सही,
फिर दिक्कत क्या है इसमें? जरूरी नहीं है आप सीक्वेंस में करिए, लेंदी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसको 1 सेकेंड आपको लगेगा स्किप करने में, उसको आखिरी में किया करिए, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और कम टाइम में आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक अलग से जो है एक अलग से क्लास ही ले लेंगे, डिटेल उसमें बताते हैं, ठीक है ना।